हमारी जो लड़की ब्याही जाती है उसको हम सात पीढ़ी का रिश्ता मानते हैं, और वो रिश्ता नाता आपसी में ही निभता, ज्यादा हाई और लो में नहीं निभता। किसी भी कीमत पर रिश्तों को कलंकित करने वाले इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जैसे आदमी जागरूक होता जा रहा है तो इनको एक अंदर ही अंदर डर महसूस होता है कि जो एक कुर्सी पे ये हमेशा से बैठे रहे हैं और वो कुर्सी मतलब हिलनी शुरू हो चुकी है इनकी, जो हमारी प्रधानता है, जो हमारा वर्चस्व है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। अब 100 में से एक परिवार के ऊपर दबाव पड़ता है और 99 के ऊपर ये प्रभाव जाता है, तुमने भी ऐसा किया तो गलत हो जाएगा भाई। कई बार तो निर्ममता के साथ मतलब उनको मार के पेड़ के ऊपर लटका दिया था ताकि लोग देखें और उससे सबक लें। मोनिका ने मुझसे हमेशा कहा तुम एक लड़की को गोद लेना चाहती हो, और फिर मैं लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि लड़की को कैसे पाला जाता है। एक एलिमेंट होता है कि तुम जाट और तुम ये प्ले बना रही हो, उसके चलते आई मेट सर्टेन पीपल हु टेल मी तुम अपनी जड़ें काट रही हो, कुछ नहीं कर रही हो तुम। बिफोर यू डिसाइड यू गोना डिफेंड और क्रिटिसाइज सिंस यू बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, यू नो इमीडिएटली योर फोक्स एंड योर कम्युनिटी पीपल विल कम एंड टेल यू दैट यू नो ओ गॉड दीस किड्स आर कम्प्लीटली एलिनेटेड, दे आर कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ज़्यादा बात बिगड़ गई तो मेरी माँ को कहते कि तुम्हारे भी दो लड़कियाँ हैं, इनके साथ ऐसा मतलब बुरा सलूक किया जाएगा कि याद रखोगे। एक हमारी ये जो असभ्य ऐसी बहन बेटी, सभी नहीं लेकिन जो असभ्य ऐसी हैं वो भी ये सोचते हैं सब कुछ एक जैसा हो जाए पशुओं की तरह, और ये परंपरा पुरानी जो है ना ये टूट जाए तो तुम्हारी मौत रही। जिस लड़के के साथ पूरी जिंदगी मुझे रहना है ये फैसला आप करोगे कि इसके साथ रहना है या इसके साथ रहना है, मतलब वो तो मैं तय करूँगी ना कि मुझे किसके साथ रहना अच्छा लगता है तो मैं उसके साथ रहूँगी। अब बच्चों को मार के कैसे अपनी इज्जत बचाई जा सकती है मुझे समझ नहीं आता। जैसे वो सिचुएशन आई कि उन्होंने मतलब इज्जत में से और मुझ में से एक चीज को चुना है तो वो मन में वो दूरियां पैदा हुई हैं। सब कायदे कानून, सारे नियम, सारे रीति रिवाज, जो सारी परंपराएं, वो एक औरत के ऊपर ही लागू होती हैं।